हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पर्सनल कंप्यूटर शो। तो आज मैं आपको लो प्राइसेस से शुरू करते हुए हाई प्राइसेस के गेमिंग मॉनिटर बताऊंगा। और हाँ, ये मॉनिटर स्पेसिफिकली टारगेटेड है गेमिंग की ओर, पर इनमें से कोई कोई कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी सूटेबल है, जिन्हें मैं आपको बता दूंगा जब वो लिस्ट पर आएंगे। वहीं इनमें से बहुत सारे मॉनिटर्स एसर ब्रांड के हैं, क्योंकि एसर के मॉनिटर्स हर एक प्राइस पॉइंट पर जो प्राइस टू परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो और कोई ब्रांड उस प्राइस पॉइंट पर नहीं दे रहा है। एंड इसको आप चेक भी कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी रिसर्च करके, क्योंकि एसर ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। तो बहुत होगी बातचीत, हम चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। हमारा फर्स्ट मॉनिटर है जो कि बेस्ट अंडर 10,000 रुपीस, LG 22 MK 400H। एक 22 इंच का फुल HD 1080p गेमिंग मॉनिटर है, जिसमें आपको 75Hz का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम और AMD FreeSync का भी सपोर्ट दिया जाता है। इसमें आपको एक HDMI पोर्ट, एक VGA पोर्ट, एक D-Sub पोर्ट और एक हेडफोन जैक भी मिलता है। और ये एक TN पैनल वाला मॉनिटर है, TN पैनल जो इतना कलर प्रिसाइज नहीं होता, और मैं इन्हें कंटेंट कंजम्पशन और कलर ग्रेडिंग जैसे वर्क के लिए भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर TN पैनल में आपको गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। और फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको ब्लैक स्टेबलाइजर, डायनामिक एक्शन सिंक, क्रॉस हेयर और एंटी ग्लेयर स्क्रीन का भी फीचर दिया जाता है। तो LG 22 MK 400H की प्राइस है 9,500 रुपीस, जो कि है बेस्ट अंडर 10,000 रुपीस। अगला है बेस्ट मॉनिटर अंडर 15,000 रुपीस, एसर नाइट्रो VG240YS। ये 24 इंच का फुल HD मतलब 1080 पिक्सल वाला गेमिंग मॉनिटर है। इसमें आपको ब्लेजिंग 160W का रिफ्रेश रेट और 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलता है, ऐसा कंपनी क्लेम करी है। ये एक IPS पैनल वाला मॉनिटर है, जिसको मैं कंटेंट कंजम्पशन, एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग जैसे वर्क के लिए बहुत रिकमेंड करूँगा, क्योंकि IPS पैनल पे आपको बहुत अच्छी कलर एक्यूरेसी भी मिलती है एंड गेमिंग के लिए तो अच्छे होते ही है। इस मॉनिटर में आपको 2 HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट भी मिलता है। एंड बात की जाए इसमें मिलने वाले 2 W के स्टेरियो स्पीकर्स के बारे में, तो अगर आप उन्हें म्यूट रखोगे तो ही अच्छा होगा, मतलब उनकी क्वालिटी एकदम घटिया है। बाकी गेमिंग फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको AMD FreeSync और HDR10 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है एंड 250 nits तक की इसकी ब्राइटनेस है। तो Acer KG271P की प्राइस है 14,000 रुपीस, जो कि है बेस्ट अंडर 15,000 रुपीस। एंड हाँ, इसमें आपको VESA वैसा का वॉल माउंट सपोर्ट भी मिलता है। नेक्स्ट है बेस्ट मॉनिटर अंडर 20,000 रुपीस, Acer Nitro XV270P। ये 27 इंचेस का IPS डिस्प्ले वाला फुल HD 1080p गेमिंग मॉनिटर है। ये पूरा सेम मॉनिटर है पिछले वाले जैसा, क्योंकि इसमें भी आपको 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम, 160W का रिफ्रेश रेट, 2 HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट और वही 2 बेकार स्पीकर्स भी इसमें आपको दिए गए हैं। बस फर्क इतना है, जो पिछले वाला था उसमें आपको 24 इंचेस की स्क्रीन मिलती थी एंड इसमें आपको 27 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। बाकी इसमें आपको अलग से हाइट एडजस्टमेंट और ब्लू लाइट शील्ड का भी फीचर एक्स्ट्रा मिलता है एंड वही AMD FreeSync का भी सपोर्ट इसमें है। तो अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके थोड़ी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन और सेम फीचर्स चाहिए तो ये मॉनिटर आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एंड इसमें आपको वैसा वॉल माउंट का भी सपोर्ट मिलता है। तो Acer XV270P की प्राइस है 18,000 रुपीस एंड ये बेस्ट अंडर 20,000 रुपीस। अगला है फिर से Acer की तरफ से VG271U, जो कि बेस्ट अंडर 25,000 रुपीस। ये एक 2K रेजोल्यूशन वाला 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर है एंड इसमें आपको IPS पैनल भी मिलता है। 2K रेजोल्यूशन और IPS पैनल होने के बाद भी इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम भी देता है ये मॉनिटर। इसमें भी आपको AMD FreeSync का सपोर्ट मिलता है एंड डिस्प्ले कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको 2 HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट भी मिलता है एंड इसमें आपको ऑडियो आउट का जैक भी दिया जाता है। 400 nits तक की ब्राइटनेस है इसकी और वही 2 स्टीरियो स्पीकर जिनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है वो भी इसमें आपको मिलते हैं। तो अगर आप बजट में 2K 144Hz वाला मॉनिटर खरीदना चाहते थे तो ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। Acer Nitro VG271U की प्राइस है 24,500 रुपीस, जो कि बेस्ट मॉनिटर अंडर 25,000 रुपीस। इस मॉनिटर का एक अल्टरनेटिव भी है LG UltraGear 32GK650F। ये दोनों मॉनिटर पूरे सेम है, बस LG वाले में आपको VA पैनल मिलता है जो कि मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं होता गेमिंग और एडिटिंग रिलेटेड वर्क में भी, बट LG वाले में आपको 32 इंच की स्क्रीन मिलती है जो 27 इंच से थोड़ी बड़ी है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए या फिर कलर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी चाहिए। अगला है बेस्ट मॉनिटर अंडर 30,000 रुपीस, LG UltraGear 27GN750। अगर आपको 1080p रेजोल्यूशन पर बहुत हाई एफपीएस पे गेम्स खेलने हैं
और अगर आपके पास ऐसा एक ग्राफिक्स कार्ड भी है जो आपको 1080p पर 200+ FPS दे सकता है, जैसे कि 3060 Ti, तो ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 1080p रेजोल्यूशन पर 240Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। जी हाँ, 240Hz का रिफ्रेश रेट, जो आपको गेम्स में बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। ये एक IPS पैनल वाला मॉनिटर है एंड इसमें आपको 1 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम भी दिया जाता है। बाकी इसमें आपको NVIDIA G-Sync का सपोर्ट, HDR10 और 400Hz तक की ब्राइटनेस भी दी जाती है। एक डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, एक हेडफोन जैक और एक USB पोर्ट भी इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको पाइवट स्टैंड, हाइट एडजस्टमेंट, मॉनिटर टिल्टिंग और वेसा माउंट का भी फीचर दिया जाता है। तो LG UltraGear 27GN750 की प्राइस है 30,000 रुपीज़, जो कि बेस्ट अंडर 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बेस्ट मॉनिटर अंडर 40,000 रुपीज़, ASUS PB287Q। तो अगर आपके पास एक 3070 या फिर एक 3080 जैसा ग्राफिक्स कार्ड है और आपको 4K रेजोल्यूशन पर गेमिंग करनी हो, तो ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड आपको 4K लेवल की गेमिंग विद 60fps प्लस आराम से करा देंगे। और अगर आप इसी के लिए 4K 60Hz रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर कम से कम में ढूंढ रहे हो, तो ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ASUS PB287Q में आपको 28 इंचेस का 4K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। ये एक LED मॉनिटर है जिसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम भी दिया जाता है। पोर्ट्स की बात की जाए तो एक HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट, एक ऑडियो इनपुट जैक और एक हेडफोन जैक भी इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी दिया जाता है और ये वॉल माउंट कैपेबल भी है। तो अगर आपको एक ऐसा मॉनिटर चाहिए था जो 4K रेजोल्यूशन पर 60Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले गेमिंग के लिए आपको दे दे, तो ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ASUS PB287Q की प्राइस है 35,500 रुपीज़ और इसमें आपको अभी कुछ फ्री नहीं मिल रहा है, ये ऑफर 15 मई तक ही था। एंड ये मॉनिटर बेस्ट स्टैंड ऑफ 40,000 रुपीज़। हमारा लास्ट मॉनिटर इस वीडियो का फिर से Acer की तरफ से Acer Predator XB273K। अगर आपको 4K रेजोल्यूशन पर हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग करनी है, अगर आपके पास ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो 4K लेवल की हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग आपको करा सकता है, जैसे कि 3090, तो ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि Acer Predator XB273K में आपको 27 इंच का 4K UHD IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। वही 144Hz का रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी इसमें आपको मिलता है। जी हाँ, 4K रेजोल्यूशन पर 144Hz का रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देता है ये मॉनिटर। बात की जाए गेमिंग फीचर्स की, तो इसमें आपको NVIDIA G-Sync और HDR400 का फीचर भी देखने के लिए मिलता है एंड 2 डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट और 4 USB 3.2 पोर्ट भी इसमें आपको दिए गए हैं। हाइट एडजस्टमेंट और पावर ऑप्शन भी है इसमें एंड ये IPS पैनल वाला डिस्प्ले है, मतलब इसमें आपको कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप एक ऐसा मॉनिटर ढूंढ रहे थे जो आपको 4K रेजोल्यूशन पर हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग कम से कम में करा दे, तो ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। Acer Predator XB273K की प्राइस है 49,000 रुपीज़ और ये बेस्ट मॉनिटर है अंडर 50,000 रुपीज़। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर आपको इनमें से कोई भी मॉनिटर बाय करना हो, तो नीचे Amazon की एफिलिएट लिंक्स दी गई है, अगर आप वहाँ से बाय करोगे तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे PC रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।